फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में हम लोग एज़ यूजुअल 4i 12s को कवर करने वाले हैं, 241 टू 244। 241 देखो, ये प्रो खालिस्तानी जो प्रोटेस्ट हो रहा है आउटसाइड इंडिया लाइक कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, देखो आखिर मैसेज क्या जा रहा है। अब इस कंट्री में क्या है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ ज़्यादा ही है। अब इस चक्कर में इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारा गतिविधि वहाँ पे होता है। यदि कनाडा में इस चीज़ को रोक लिया जाए तो इस तरह का अमृतपाल टाइप का लीडर नहीं क्रिएट होगा, सही बात है कि नहीं है? जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में हमारा टेंपल पे अटैक हुआ, जिस हिसाब से कनाडा में और बाकी कंट्री में इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है ना, एम्बेसी में हमला हुआ कि नहीं हुआ, तो इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। और देखो आज ये कनाडा में शरण दिया जा रहा है इसको, हो सकता है कल के दिन में कनाडा में ये टेररिस्ट ग्रुप से मिल जाए और बहुत बड़ा क्यूस मचा दे वहाँ पे। यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ कि तालिबान, जो पाकिस्तान का जो ग्रुप है एक तालिबान, उसने उसको दिया ना संरक्षण दिया, बाद में क्या हुआ, उसी ने कितना है ना डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान को। तहरीके पाकिस्तान वाला जो तालिबान, तहरीके तालिबान ग्रुप एक था ना, जिसे पाकिस्तान ने जो शरण दिया था, सेव हार्बर दिया था। तो इस तरह का चीज़ बहुत ही गलत होगा। यही बताया गया कि यदि फ्रिंज एलिमेंट बाहर अलाउड किए जाएंगे, वही फ्रिंज एलिमेंट मतलब प्रो पाकिस्तानी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को कहा जा रहा है, यदि क्या बोलते हैं इसको, खालिस्तानी वाला इश्यूज़ को यदि बाहर अलाउड किया जाए तो इसका असर बहुत ही गंदा पड़ेगा, इसका रेमिफिकेशन बहुत ही ख़राब पड़ेगा, और इंडिया पे तो इसका रेमिफिकेशन डायरेक्टली पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। 242 देखो, 5 साल पहले हम लोग पढ़ते थे ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम, हाँ ये पढ़ते थे। अब क्या है कि ट्विन बैलेंसड एडवांटेज पढ़ रहे हैं। क्या होता है ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम या एडवांटेज? देखो ट्विन बैलेंस का मतलब दोनों का ही बैलेंस के बारे में बात किया जा रहा है, बैंक का भी बैलेंस के बारे में बात किया जा रहा है, प्लस कॉरपोरेट्स का भी, कंपनी का भी। एक टाइम ऐसा था स्टूडेंट कि बैंक का भी स्थिति ख़राब था और साथ साथ तुम्हारा कॉरपोरेट का भी स्थिति ख़राब था, तो दोनों का स्थिति खराब रहेगा तो बैंक में NPS बहुत सारे हो जाएंगे और कॉरपोरेट भी इस स्थिति में नहीं होगा कि वो पैसा उसको चुका सके, यानी कि उसका सॉल्वेंसी बहुत ही ख़राब हो जाएगा, यानी कि सर्विसिंग डेब्ट सर्विसिंग जो रेशियो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा कंपनी का। बट अभी जो RBI का जो रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया कि बैंकिंग सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है। यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर हम कंपनी का बात करें तो कंपनी का भी अपना सर्वे आता है, सही बात है कि नहीं? कंपनी का भी अपना सर्वे आता है। कंपनी के सर्वे में पाया गया कि बैंक सब कंपनी सब बहुत ही अच्छा बूमिंग कर रही है, तो दोनों ही एडवांटेज है, हमारा बैंक भी इधर सही है प्लस कंपनी भी अच्छा है। ये एक तरह से सिग्नल है कि इकोनॉमी बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाला है और अभी उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें इकोनॉमिक्स का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये 242 में, समझे? तो वही बताया गया है कि ट्विन बैलेंसड एडवांटेज, बट बी अवेयर अबाउट द रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर। मतलब बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिस्क भी है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे रिटेल लोन जानते हो, अनसिक्योर्ड लोन है वो बढ़ते चला जा रहा है, एंड सो ऑन। 243 देखो, वेस्टर्न डेमोक्रेसी विथ सिस्टमेटिक बाइगोट्री आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। अब देखो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में क्या है, रेसिज्म के नाम पे प्रॉब्लम है, रिलीजन के नाम पे प्रॉब्लम है। जिस हिसाब से फ्रांस में वो अल्जीरिया का जो लड़का था उसके साथ जो हुआ है, ट्रैफिक पुलिस ने जो उसको मारा है, शूट आउट किया है, उस चीज़ को लेकर तो पूरा आंदोलन हो गया फ्रांस में। तो इस तरह का मैसेज अच्छा नहीं जाता है डेमोक्रेसी के लिए। और देखो ना, यूनाइटेड स्टेट्स पूरा दुनिया को सिखाता है ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में खुद ब्लैक पीपल का क्या स्थिति है कि नहीं, बताओ? तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये तुमको डबल स्टैंडर्ड इन लोगों को देखने को मिलेगा, वही थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। और फ्रांस का क्या इशू है, और फ्रांस में बैक टू बैक प्रोटेस्ट हुआ है, जब से तुम्हारा मैक्रोन आया है तब से एक तो येलो मोमेंट दिखा, करेक्ट, जो बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो गया था तो उस चीज़ को लेकर येलो मोमेंट शुरू हुआ, उसके बाद फिर पेंशन को लेकर शुरू हुआ, तो बहुत ही प्रोटेस्ट तुमको देखने को मिलेगा वहाँ पर फ्रांस में। एंड लास्ट वन देखो, 244, दैट इज़ अ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। कहा गया ना कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, लोकल बॉडी, या फिर कॉरपोरेट हो या कंपनी हो, सभी लोग यदि हेल्दी ग्रीन प्रैक्टिस करेंगे तो उसको अलग से
इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे मान लो कि हम कुछ वृक्ष लगा रहे हैं, तो जब वृक्ष लगा रहे हैं तो कुछ कार्बन हमको क्रेडिट मिलेगा, ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, और उस क्रेडिट को हम बेच सकते हैं या कोई कंपनी खरीद सकता है। वो मान लो कि एमिट कर रहा है, तो हमसे वो कार्बन क्रेडिट खरीद के वो अपना एमिट करेगा, बट वो दिखा सकता है कि देखिए हम इतना इतना मेरे पास है तो इसलिए हम एमिट कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन क्रेडिट वाला मार्केट और बेटर हो सकता है, और ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का ही बात नहीं, इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट इसमें जुड़े रहेंगे। तो क्या है, प्योरली इन्वायरमेंट का टॉपिक है स्टूडेंट, समझे? तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग। अच्छा, ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट करना कितना ज़रूरी है? हाँ, अभी आए दिन कोई भी कंपनी आके बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, सस्टेनेबल और ग्रीन है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ऐसे बोल देने से थोड़ी होता है, तुम तो कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो इन्वायरमेंट के लिए, बस प्रोडक्ट में तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा ग्रीन कलर ग्रीन प्रोडक्ट है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। इस चीज़ को लेके भी चेक होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सरकार इस चीज़ को लेके भी कुछ अपना रेगुलेशन लेके आई है, तो हम समझेंगे। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। 241 जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये हिंदू पेपर में आया था 8 जुलाई को। तो देखते हैं स्टूडेंट, रैलीज बाई प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इन 4 कंट्रीज आर ऑन ए लो की। अब देखो, इस 4 कंट्री में देखो बैक टू बैक तुम्हारा यहाँ पे रैली हुआ है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन या डिप्लोमेट्स को टारगेट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी बैड, है कि नहीं बताओ? तो अब ये देखो रैली में क्या चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करें, स्लोगन क्या है इसका, किल इंडिया। अच्छा देखो, इट इज़ अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, इस तरह तुम लिख रहे हो किल इंडिया या खालिस्तान फ्रीडम रैलीस, तो अच्छी बात नहीं है ना। और दूसरी बात ये कि जो टॉप हमारे डिप्लोमेट्स है, जो वहाँ पे पोस्टेड है एम्बेसडर सब, उसका फोटो लगा के प्रदर्शन कर रहा है, तो बाद में तो मार भी दिया जा सकता है उसको, यदि सार्वजनिक हो गया कि ये ऐसा दिखता है तो कितना खतरा है उसके लिए, क्योंकि वो तो वहीं पे काम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और हम देखेंगे बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में भी अटैक हुआ है, हाँ मंदिर में अटैक हुआ है, जिस चीज़ को लेकर मोदी जी भी वहाँ पर कंसर्न दिखाए थे जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मोदी जी के जो काउंटर पार्ट है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अब नहीं होगा ऐसा। मगर अभी जो भी हो रहा है इस कंट्री में, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे कंट्री के लिए। और इतना छूट नहीं, बताओ ये सब डेवलप कंट्री है, तो डेवलप कंट्री है तो इन लोगों का अपना ही पैतराबाजी रहता है कि फ्रीडम, तो ठीक है मानते हैं कि डेवलपिंग कंट्री की तुलना में डेवलप कंट्री में ज़्यादा तुम्हारा रहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका ज़्यादा रहता है। उसका मतलब ये नहीं ना कि वहाँ पर भी लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वहाँ पर भी तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अच्छा थोड़ी है कि तुम स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया और इसका मतलब दूसरे कंट्री के बारे में कुछ भी किया जाएगा क्या? तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहाँ डिप्लोमेट्स को मारने का बात है, तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहाँ तुम्हारा एम्बेसडर को घेरने का बात है, ऐसा कहीं होता है क्या? तो पूरी तरीके से दूसरा कंट्री भी मिला हुआ है ठीक से देखा जाए। और कैनेडा में जानते हो, कैनेडा में तो इशू और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहाँ पे जो सिख का जो पॉलिटिकल क्लाउट है, अब उसको खुश करने के लिए सब किया जाता है। देखते हो ना, ट्रूडो जब आता है तो उसको गड़ियाया जाता है ना। और जब से वो जो एक प्लेन क्रैश हुआ था लगभग 30-40 साल पहले, तब से ही रिलेशन ख़राब हुआ है। और उसको लेके भी कनाडा ने कुछ भी, कनाडा का पुलिस ने कुछ काम नहीं किया, और जबकि उसमें ज़रा सिख पैसेंजर ही मरे थे, मतलब कनाडा का भी पैसेंजर ज़्यादा मरे थे, अभी तक कोई फाइंडिंग्स नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ को लेके भी 30-40 साल से रिलेशन ख़राब है इंडिया कनाडा का। बात समझे, आगे देखो स्टूडेंट, देखो वही कनिष्का बम्पिंग जो हुआ था ना 1985 में, जहाँ पे बहुत सारे कैनेडियंस मरे थे, हाँ हमारे इंडियंस भी मरे थे, बट जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है कनाडा पुलिस के द्वारा बहुत ही स्लॉपी हुआ, बहुत ही मतलब समझो ना सुस्त तरीके से किया गया, उस पर कोई भी फाइंडिंग्स उतना अच्छे से काम नहीं किया गया है। और जो भी दोषी करार हुआ था उसको भी, उसके अगेंस्ट भी कोई ठोस कदम नहीं है ये लोग लिया है कनाडा का पुलिस। तो क्या मैसेज जाएगा कि सीरियस नहीं है, है कि नहीं बताओ? जैसे हमेशा लोग बात करते हैं 9/11 का अटैक हुआ था ट्विन टावर्स पे, चलो वेरी गुड, बट उससे भी बड़ा अटैक तो तुम्हारा ये हुआ था, कनिष्का बम्पिंग हुआ था। जैसे एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो ट्रैवल करी थी टोरंटो टू लंदन, हाँ उसको बीच ही में उड़ा दिया गया है ना, उसमें लगभग 300 पैसेंजर्स मरे थे इंक्लूडिंग द क्रू मेम्बर्स। तो बहुत बड़ा क्षति था कि नहीं था? उसमें हमारे इंडियंस भाई लोग भी थे, सिख भाई लोग भी थे। तो अब ये किसका जिम्मेदारी होगा? टोरंटो से लंदन जा रहा है तो टोरंटो का पुलिस का जिम्मेदारी होगा, कनाडा का पुलिस का जिम्मेदारी होगा,
मच कुछ काम ठीक से किया नहीं इसमें। हाँ, ज़्यादातर कैनेडियन सिटीजन ही थे, हमारे सिख भाई लोग थे इसमें। हाँ, उसके बाद देखो इसलो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है तुम्हारा वहाँ का पुलिस के द्वारा, है ना। उसमें देखो बाबर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर्स भी उसमें शामिल थे, उसको पनिश नहीं किया गया। बाद में जो बॉम्ब मेकर जो था इंद्रजीत सिंह रावत, उसको भी 2017 में फ्री कर दिया गया। तो क्या मैसेज जाएगा ये, इंडिया तो खुन्नस खाएगा ना इससे। हाँ, और ये घटना हुआ था 1985 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग वही 35-40 साल का बात है। 35-40 जैसे ही ये हुआ ना इंसिडेंट, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेन हो गया रिलेशन इंडिया और कनाडा का इस फ्रंट पे। आगे देखो, यदि इसी तरह तुम फ्रिंज एलिमेंट्स अलाउड करोगे बाहर में, तो इसका रिपरकशन तो दूर बैठा हुआ इंडिया पे भी असर पड़ेगा। अब देखो ना, कुछ भी वहाँ पे होता है असर तुरंत। अब देखो अचानक कैसे अमृतपाल बन गया, अमृतपाल अचानक कैसे सीन में आ गया। और हमें ये एक्सपीरियंस है कि यदि हम शुरू से ही उसको रोकेंगे नहीं, तो फिर वो 80 वाला स्थिति होगा। 1980 में जो स्थिति हुआ था, जो इंदिरा गांधी के मौत के बाद ही मामला शांत हुआ है ना, विंडर वाला केस, तो हम तो चाहेंगे कि ऐसा केस फिर से ना हो, क्योंकि नाकोदम हो गया था उसमें, बहुत हालत ख़राब हो गया था हमारा। तो देखो वही चीज़ बताया गया कि यदि इस तरह का जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, इस तरह का जो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट है, यदि बाहर अलाउड किया जाए, तो इसका असर दूर इंडिया में भी होगा। अब तुम एक एग्जांपल देख लो बच्चे लोग, तुमको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि कुछ साल पहले कैंपेन चला था, हाँ, और उसका रेफरेंडम हुआ 2020 में। रेफरेंडम मतलब लोगों से बातचीत करके कोई भी एक इशू पे मामला था, वो रेफरेंडम उसका 2020 में हुआ कैनेडा, US, ऑस्ट्रेलिया, UK में, जहाँ पे हमारे बहुत सारे सिख भाई लोग रहते हैं। हाँ, अब देखो जैसे ही यहाँ पे रेफरेंडम हुआ, डायरेक्ट इंडिया में भी असर पड़ा खालिस्तानी इश्यूज़ को लेके, यानी कि यहाँ पे जैसे ही एक्टिव होता है, यहाँ पे भी इशू पड़ता। हाँ, ये अलग बात है कि पंजाब का अपना ही प्रॉब्लम है, पंजाब का अपना ही तुम्हारा इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम है। मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, ये कम से कम घी की तरह काम करता, आग में घी की तरह काम करता, इसका डायरेक्ट असर पड़ता। हम मानते हैं कि पंजाब में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, उसका सोशल इकोनॉमिक फ्रंट ऐसा है कि वो कभी भी आग लग सकता है वहाँ पे। बट जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना, या फिर बढ़ावा देने वाला जो चीज़ है, वो बाहर के कंट्री से ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट साफ साफ दिखेगा तुमको। अब एग्जाम्पल देखो, है ना, अचानक तुम्हारा अमृतपाल सिंह आ जाना कि सबसे बड़ा हम ही खालिस्तान लीडर है ना, वो भी एकदम भिंडरवाला के टाइप का, तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला बात है कि कोई था ही नहीं, अचानक ये आ गया अमृतपाल। अमृतपाल के बारे में कहाँ तुम लोग जानते थे, अचानक सीन पे आ गया और कितना तबाही मचा दिया पंजाब में ये। अभी तो पकड़ाया, वो अलग बात है, मैं अचानक कैसे हो जाता है, इसका असर डायरेक्ट कनाडा से है, बात समझे। तो वही बोला है, देखो 1980 में हमने देखा है ना, और हमने देखा है अपने कंट्री का सिक्योरिटी को लेकर, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह का फिर इवेंट फिर से दोहराए हमारे कंट्री में, इसलिए हम इनिशियल स्टेज पे ही बहुत ही ज़्यादा सशक्त है, बहुत ही कंसर्न है। आगे देखो स्टूडेंट, अब देखो यदि हम नॉर्मल सिख का बात करें, तो सिख तो कभी भी खालिस्तानी इशू से चलता ही नहीं है, आइडियोलॉजी से, ये कुछ ही है। देखो 99.9% जो सिख भाई लोग हैं हमारे पंजाब को, कभी खालिस्तान चाहते ही नहीं है, वो 0.1% है, और कुछ तुम्हारा बाहर बैठा हुआ है, वो सब मिलके तुम्हारा एक खालिस्तान लैंड बनाना चाहता है। अधिकतर जो भाई बंधु लोग हैं वो कभी चाहेगा ही नहीं, क्यों चाहेगा वो, उसके लिए गुरु नानक का बहुत सारा देवभूमि तो हमारा बिहार भी है, वो क्यों हटना चाहेगा बिहार से, क्या वो बिहार में आएगा गुरु गोविंद साहब का वो, है ना, यहाँ पे माथा टेकने के लिए क्या वीजा लेके आएगा वो। तो कभी सिख भाई लोग, जो नॉर्मल सिख भाई लोग, वो कभी नहीं चाहते हैं, वही एक दो जो फ्रिंज एलिमेंट है, इसकी वजह से इतना तबाही हो रहा है। हाँ, इनफैक्ट वही बोल रहा है कि देखो कि सिख अपने आप में ये लोग हमेशा रिजेक्ट किए हैं खालिस्तान आइडियोलॉजी, हाँ, और वो एक तरह से सबसे सक्सेसफुल कम्युनिटी है भारत का, सिख कम्युनिटी, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो, हाँ, और यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज प्रिसाइजली व्हाट हैपन इन कनाडा विद सिक्स। अब देखो कनाडा में क्या है कि सिक्स मात्र 1-2% है, मैं पॉलिटिकल क्लाउड बहुत इंजॉय करता है, मात्र 1-2% है स्टूडेंट पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन में, मैं फिर भी पॉलिटिकल क्लाउड इंजॉय करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो मैं थोड़ी देर में तुम लोग को कनाडा का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताऊंगा। ऐसा क्या बात है कि इतना कम माइनॉरिटी में होने के बाद भी इतना पॉलिटिकल क्लाउड क्यों इंजॉय करता है सिक्स लोग, बात समझे, होप सो समझ में आ गया होगा। और इसलिए कैनेडियन अथॉरिटी में बहुत बड़ा रोल है सिख कम्युनिटी का। तो समझो यहाँ पे आखिर क्या बात है, कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या ऐसा चीज़ है कि जिसके वजह से ये जो हमारे सिख भाई लोग हैं, इसका बहुत ज़्यादा क्लाउट है। तो
इसका रीज़न ये है स्टूडेंट, बात समझना अच्छे से। कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम में यदि किसी भी कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना है तो उसके लिए एक लेटर दिया आता है, लेटर ऑफ सपोर्ट। और लेटर ऑफ सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि हर कम्युनिटी का तबका उसको करे। और हमारे सिख भाई लोग का क्या है कि सिख भाई लोग ऊपर से जो बोल देंगे नीचे वाला भी वही करेगा, क्योंकि एक बहुत तगड़ा रिलेशन है। जैसे आसान होता है ना, जैसे पंजाब से आदमी मुंह उठा के चल जाता है कनाडा में, जो पता है कि वो सिख है तो सिख को आराम से मिल जाएगा वहाँ पे जगह। और इस हिसाब से जानता है ना, जितना भी वो सिंगर उंगर है सब कनाडा में परफॉर्म करता है, कपिल शर्मा सब, सब सबसे पहले कनाडा ही दौड़ेगा वो, क्योंकि सब गोतिया लोग उसका बैठा हुआ है। तो टाइट नीट कम्युनिटी है सिख। और जो अब देखो, टाइट नीट कम्युनिटी का मतलब क्या है कि जब लेटर ऑफ सपोर्ट होगा, बात समझना अच्छे से, कनाडा में किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो उसको पहले सबसे पहले लेटर लाना होगा। और लेटर क्या, लेटर मस्ट बी सपोर्टेड बाय द ऑल द पीपल। और सिख में क्या है कि एक भी कोई सपोर्ट किया तो उसका, चूंकि रिलेशन टाइट नीट कम्युनिटी वाला है, तो वो दूसरे को भी बोल देगा, वो भी सपोर्ट कर देगा, ठीक है ये कैंडिडेट सही है, क्योंकि ऊपर से बोले हैं सिख के कोई लीडर। तो अब 1-2% का आबादी है फिर भी उसको बहुत बड़ा रोल मिल जाता है, क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है तो उसके लिए उसको लेटर को सिक्योर करना होगा, लेटर ऑफ सपोर्ट को सिक्योर करना होगा, समझे। और सिख में क्या है, तुम्हारा टाइट नीट कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, तो इसी का फ़ायदा मिल जाता है स्टूडेंट, जबकि वो मेजोरिटी में नहीं है। यदि मैं टोटल बोलूँ तो सिख तुम्हारा डोमिनेंट है केवल जस्ट 8 फेडरल सीट पे, बस 8 ही सीट पे है। जैसे हमारा यहाँ लोकसभा है ना, उस तरह वहाँ पे भी बहुत सारा सीट्स होगा, केवल 80 सीट पे है। उसके बाद भी पॉलिटिकल क्लाउड इंजॉय करता है। इसका दो रीजन है, इसका वन रीजन क्या है, लेटर्स ऑफ सपोर्ट, एंड सेकेंड वन इज सिख जो कम्युनिटी है वो टाइट नीट कम्युनिटी है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को, इतना कम पॉपुलेशन होने के बाद भी पॉलिटिकल क्लाउड कैसे इंजॉय करता है ये सब। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, लिंक बिटवीन खालिस्तानी एंड पाकिस्तान बेस्ड कश्मीरी ग्रुप इज क्लियरली एविडेंट। देखो पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करता है, यू नो डैट। तो जो पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ग्रुप है जो कश्मीर में आके कुछ गलत काम कर रहा है, उसका लिंक चल रहा है खालिस्तानी के साथ, उसका लिंक है। और ये अभी जस्ट खुलासा हुआ है अमेरिकन थिंक टैंक वुडसन इंस्टीट्यूट के द्वारा कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है खालिस्तान और पाकिस्तान बैक्ड कश्मीरी ग्रुप। देखो ये हमारे लिए कितना खतरा है कि नहीं, बताओ तो। और आज देखो कनाडा शरण दे दिया उसको, क्या भरोसा कल के डेट में सेम पाकिस्तान वाला हाल हो जाए कि तालिबान को शरण दिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में तबाही मचा है। तो यदि तुम फ्रिंज एलिमेंट्स पालोगे तो बाद में तुमको ही प्रॉब्लम होगा, यही नियम है, बात समझे। तो वही चीज़ बताया गया स्टूडेंट। और दूसरी बात है कि चाइना, देखो अब कनाडा देखो कनाडा के लिए चाइना भी दुश्मनी है, क्योंकि चाइना देखो ईस्ट में सबसे पावरफुल है एशिया की तरफ। तो अब हो सकता है कि कनाडा का नज़र केवल इंडिया नहीं है, कनाडा का नज़र पूरा चाइना की तरफ भी है। CPEC पास होता है ना गिलगित बल्तिस्तान से, जानते हो ना CPEC जो $56 बिलियन का तुम्हारा जो कॉरिडोर है, अब वहाँ पे ये भी एक्टिव है, क्योंकि खालिस्तानी का मतलब क्या, ग्रेटर पंजाब, तो कुछ पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। तो ये लोग चाहता है कि केवल इंडिया का ही इशू नहीं, ये चाइना का भी इशू है, रहने दो ना इसको, ठीक तो है, उसको डिस्टेबलाइज करेंगे चाइना को भी। मगर इस तरह सोचना गलत बात है कि नहीं है, दूसरे कंट्री का आप इंटरनल मामला में आप दखल अंदाजी कर रहे हो, अच्छी बात है क्या? तो केवल हो सकता है कनाडा के दिमाग में केवल इंडिया ही ना चल रहा हो, चाइना भी चल रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो इसका असर डायरेक्ट चाइना पड़ेगा। इसका असर इसलिए चाइना पड़ेगा क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तुम्हारा पाकिस्तान से गुजरता है, गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, वहाँ पे कुछ भी होगा तो चाइना को असर पड़ेगा। तो इसलिए कनाडा सोचता है कि ये जो खालिस्तानी इशू यहाँ जो हो रहा है उसका असर इंडिया में भी पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा, पाकिस्तान पर असर पड़ेगा तो चाइना भी असर पड़ेगा। मगर ये सोच गलत है, क्योंकि जो टेररिस्ट वाला जो प्रॉब्लम है कंट्री का अकेला नहीं है स्टूडेंट, पूरा वर्ल्ड ही देखो साइबर सिक्योरिटी का लड़ाई कर रहा है ना, साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, वही सर्वेलेंस का, कहीं भी साइबर अटैक हो जाता है, पूरा वर्ल्ड ही टेररिज्म को लेकर ग्रसित है कि नहीं बताओ तो, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर ग्रसित है पूरा वर्ल्ड ही। तो ये तो ऐसा टाइम है कि सब कंट्री बैठ के ना एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब देखो दिक्कत ये है कि अभी भी यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे टेररिज्म क्या होता है उसका अभी डेफिनेशन नहीं निकाला गया, अभी तक डेफिनेशन अभी तक तय नहीं है ना, क्योंकि एक कंट्री का टेररिस्ट दूसरे कंट्री के लिए वो फ्रीडम फाइटर बन जाता है, वो नेशनलिस्ट बन जाता है।
तो अब नैरो माइंड से देखने से नहीं चलेगा। जैसे हमारा मुंबई अटैक हुआ था, ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे हमारा बॉम्बे ब्लास्ट हुआ तो कुछ समझ में नहीं आता था। मैं जैसे ये लोग का ट्विन टावर अटैक हुआ तब ये लोगों को समझ में आया कि क्या होता है। जैसे फ्रांस में कुछ अटैक हुआ तब ये लोगों को समझ में आया। बट समझ में आने के बाद भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है टेररिज्म के लेके? तो ये जब तक सब कंट्री एक साथ नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा। सो इट इज़ अ बेटर ऑल द कंट्री शुड सिट टुगेदर टू सॉल्व दिस इशू। समझ गए स्टूडेंट, ये मैंने कंक्लूड कर दिया। चलो आगे देखते हैं। 242 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये देखो 3 जुलाई को आया था स्टूडेंट इंडियन एक्सप्रेस में। अब समझो इसमें समझने वाला चीज़ है, एक एक चीज़ समझने वाला है। देखो जैसे कि मैंने कहा है शुरू में इंट्रोडक्शन में, 5 साल पहले हम लोग सुन रहे थे ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस या प्रॉब्लम, यानी कि दोनों का ही बैलेंस शीट जानते हो ना, जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिखा जाता है, चाहे वो बैंक का हो चाहे वो कंपनी का हो कॉरपोरेट का हो। अभी बहुत ही एडवांटेज है, ठीक है, ठीक उलट हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रॉस NPS भी केवल 3.9% ही है, जबकि एक टाइम में है ना, एक टाइम में 2016-17 में देखोगे तो बहुत ऊपर चला गया था, बहुत ज़्यादा डबल डिजिट में था, वो भी डबल डिजिट में था तो वो भी बहुत ज़्यादा था। याद आ रहा है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद देखो 2017 से लेके 2020-21 तक कितना रिकैपिटलाइजेशन किया गया बैंक में, अलग से बहुत पैसा भरा गया ना, ताकि NPS का जो प्रॉब्लम है बैंक का वो ख़त्म हो सके। आखिर सरकार जो इतना पैसा दी है वो तो सब टैक्स पेयर का ही मनी है, तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी का ही पैसा है। तो सरकार उसको दे के बैंक को उसको ठीक किया, और अभी फाइनली बहुत कम हो गया, 3.9% हो गया, आने वाले समय में ठीक 3.6% भी हो जाएगा 2024-25 में। तो चलो ये तो फ्रंट ठीक हुआ। अब याद करो जिस हिसाब से रेकलेस जो स्पेंडिंग हो रहा था, रेकलेस लेंडिंग हो रहा था 2005 से लेकर 2008 तक, उसका रिजल्ट डायरेक्ट 2015-16 में दिखा कि 2015-16 में, क्योंकि आप आंख बंद करके पैसा दे रहे थे ना 2005 और 8 के बीच में। जब रघुराम राजन आया तो उसने बोला कि दिखाओ भाई NPS कितना है, उसके लिए नियम कायदा बनाया। और जब रियल सेंस में जब NPS चेक किया गया तो पता चला था NPS कुछ ज़्यादा ही है, उसके बाद ही ना डर हुआ। फिर उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, दुनिया भर का अलग अलग सिस्टम आया जहाँ पे NPS को कम करने का तरीका, फिर प्रोविजनिंग को बढ़ाने का तरीका, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे काम करने का तरीका सब उसके बाद इकोनॉमिक्स में बैंकिंग में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आया है स्टूडेंट, बात समझो। तो पहले अभी का देखते, ये पहले का बात हो गया, समझ गए ना? तो यहाँ पे देखो अभी का स्थिति में हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही सही है। रोबस्ट कैसे मानेंगे? बाय एनालाइजिंग द सर्टन पैरामीटर्स, है ना, कुछ पैरामीटर्स पे काम करेंगे। तो पहले देखते हैं स्टूडेंट कि जो एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी का मतलब क्या है, जो पैसा दे रहा है बैंक वो बहुत ही अच्छा है, समझे ना? इसी को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी हमारा लगभग 2-3% के बीच में है। कितना होना चाहिए? 3% होना चाहिए। 3% यदि होता है तो बेटर है। क्या होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन? देखो भाई, चलो जो बैंक से जब लोन दिया जाता है और बैंक में जो डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि बैंक का जो एसेट है, बैंक का एसेट समझते हो, बैंक जो लोन देती है डेट्स कॉल एसेट। अब बैंक के अंदर जो डिपॉजिट है डेट्स कॉल बैंक लाइबिलिटी। तो बैंक जब एसेट देती है तो बैंक इंटरेस्ट लेती है ना। लेट से बैंक 10% इंटरेस्ट ली, एक मान लो एक कैलकुलेशन कि बैंक 10% इंटरेस्ट ली एवरेज, और बैंक में जो डिपॉजिट हुआ उसके लिए बैंक 7% दी, तो कितना घटाओगे कितना होगा? 3%। तो 3% का कम से कम मार्जिन होना चाहिए, तभी बैंक सस्टेनेबल हो पाएगा, तभी रोबस्ट हो पाएगा। और अभी बिल्कुल 2-3% है, तो इसलिए लास्ट में लिखा गया कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ग्रो कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आवर बैंकिंग सिस्टम। समझ गए ना? एक पैरामीटर ये भी होगा। तो यहाँ पे देखो, ऊपर देखो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो जानते हो, हर एक 3 मंथ में RBI ये शो करती है ना 3 मंथ में, तो इसमें बताया गया जो ग्रॉस NPS है, टोटल जो NPS है 10 साल का सबसे कम है। क्योंकि हम जानते हैं कि 10 साल पहले स्थिति बहुत ही बुरा हुआ था स्टूडेंट, अभी 2023 चल रहा है ना, 2013 में तो स्थिति बहुत ख़राब था। इनफैक्ट जो रेकलेस लेंडिंग किया गया 2005 से लेकर 8 तक, उसका असर डायरेक्ट तुमको 2015-16-17 पड़ा है, इनफैक्ट 20-21 तक था और अभी जाके घटा है। तो ये 10 साल में सबसे कम ग्रॉस NPS है स्टूडेंट, और कितना हुआ अभी? ऑनली 3.9%। यानी कहने का मतलब क्या कि बैंक जितना भी स्पेंडिंग की है ना,
बैंक ने जितना भी लेंडिंग दिया है उसका मात्र लगभग 4% ही तुम्हारा एनपीएस हुआ है। एनपीएस जानते हो 90 दिन के बाद यदि पैसा नहीं लौटाया जाए दैट इज कॉल्ड एनपीएस। उसके लिए जानते हो कि स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 होता है यदि 30 डेज में नहीं लौटा। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों लोग, स्पेशल अकाउंट मेंशन अकाउंट है ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट यदि 30 डेज में नहीं लौटा तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, यदि 60 डेज में नहीं लौटा तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, यदि नहीं लौटा तो फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, और 2 के बाद तुम्हारा 90 डेज स्टार्ट हो जाता है उधर। सही बात है ना? तो यहाँ पे देखो, हाँ इम्प्रूवमेंट अच्छा है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट केवल पब्लिक नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी देखा जा सकता है कि ग्रॉस एनपीएस बहुत कम हुआ है, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि आने वाले 2024 में है ना, और ये 3.9 से घट के 3.6 हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर द बैंकिंग सिस्टम। सही बात है कि नहीं है? अब देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बता चुके, वो भी ग्रो कर रहा है, यानी कि वो भी 3% के आसपास जाना चाह रहा है, एंड 3% इज अ हाईली रिकमेंडेबल। यानी कि 3% आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे याद करो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना कहा जाता है, हाँ 9+2.5% गुड टाइम्स में 9% तो होना ही चाहिए है ना, 9+2.5%। अभी देखो हमारा 14-15% है ना, तो अभी बहुत ही रोबस्ट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या होता है, हाई कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, इसका मतलब दूसरा नाम है ना उसका, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का दूसरा नाम क्या है, हाई कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। इसका मतलब क्या कि कैपिटल कितना है आपके पास, इधर देखो बुढ़बकलो इधर देखो, कैपिटल कितना है और रिस्क वेटेड कितना, कितना डर है कि पैसा आपका डूब जाएगा, वो डिनोमिनेटर में रहता है, उसी का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कितना होना चाहिए बेसल नॉर्म के हिसाब से, जो स्विट्जरलैंड का जो नॉर्म है उसके हिसाब से कितना होना चाहिए, 9+2.5%, और 2.5% गुड टाइम्स के लिए उतना आपको रखना चाहिए। 9 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ऊपर देखोगे टायर वन बॉन्ड तुम्हारा और नीचे जाएगा वो है ना, वो और तुम्हारे 6 के पास जाता है, वो बहुत करीब जाता है, ठीक है। तो याद करो सभी चीज़ को, देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रो हो रहा है और प्रोविजनिंग रेशियो, प्रोविजनिंग कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत हाई है, लगभग 70% के आसपास है कवरेज रेशियो। प्रोविजनिंग रेशियो का मतलब क्या है, जो लोन दे रही है बैंक, लोन दे रही है तो उसका रिस्क को लेके यदि कितना रिस्क है उस हिसाब से अलग से पैसा भी असाइड कर रही है, कि मान लो कि आने वाले समय में वो एनपीएस हो गया और पैसा पूरा बर्बाद हो गया तो कम से कम कवरेज रेशियो तो होगा, यहाँ पे प्रोविजनिंग रेशियो प्रोविजनिंग कवरेज तो होगा कम से कम, तो वो भी लगभग 70% है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड। मान लो कि एनपीएस हो गया तो कम से कम ये पैसा तो रहेगा, अब बैलेंस शीट से हटा दिया जाएगा एनपीएस को, रिकवरी होते रहेगा अपना आराम से। सभी चीज़ याद आ रहा है तुम लोग को, समझे? और कैपिटल पोजीशन तो बहुत ही बेटर है, कैपिटल पोजीशन इसलिए बेटर है क्योंकि बैंक अपने पैसे से बहुत अच्छे से जा रहा है। देखो कैपिटल कैपिटल पोजीशन का मतलब क्या है कि आपके पास बेसम लॉम्स के हिसाब से 9+2.5 है तो बहुत अच्छा कैपिटल है आपके पास। टायर वन कैपिटल बताए थे ना, जो सेविंग अकाउंट और जो कैपिटल अकाउंट है, यानी कि जो सबसे मोस्ट लिक्विडिटी फॉर्म होता है वो तुम्हारा क्या, सेविंग अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट होता है। अब देखो वही सब चीज़ बताया गया है कि हाई कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रिप्लाइज कि बैंक्स कितने अच्छे से कैपिटलाइज हुआ है, और यदि कोई तरह का दिक्कत आता है तो कितना बेटर तरीके से वो माइक्रो इकोनॉमिक शॉक्स को झेल सकता है। हाँ तो 9+2.5 रहा तो बढ़िया से झेल सकता है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा रहेगा वो आराम झेल लेगा, और यदि मान लो कि 9 से नीचे चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा उसको, सिंपल बात है। तो RBI ने कहा है कि अभी इतना बेटर है हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में या फिर हाई कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो में कि कुछ भी दिक्कत होता है तो आराम से बैंक झेल लेगा। कुछ भी समझ में आया? हाँ, आगे देखो, रोबस्ट हेल्थ ऑफ बैलेंस शीट ऑफ वेरियस कंपनी। अब फर्स्ट तो हम लोगों ने बैंक को देखा, एक हो गया एक तरफ साइड, अभी हमें इधर कंपनी को भी देखना होगा, कंपनी में भी वो अचीवमेंट होना चाहिए। देखो कंपनी में अचीवमेंट क्यों नहीं होगा, अब तुम खुद देखो कोविड के टाइम में कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हटा दिया गया, सही बात है कि नहीं है, कंपनी में हटा दिया गया, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो भी कम हुआ है, अब नेसेसिटी कम है। जैसे पहले देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए होता था लोग को डालने के लिए, अब लोग को तुमने घटाया, मशीन को ऐड किया तो तुम्हारा कॉस्ट बहुत बचा कि नहीं बचा, उसका भी बेनिफिट। और प्लस देखो यहाँ पे कि प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैव मैनेज टू ब्रिंग डाउन देयर डेट टू इक्विटी रेशियो, देखो वो भी कम हुआ है। पहले क्या था, हाईली लिवरेज कंपनी का मतलब क्या है, जो खाली कर्जा में टिक रहा है, कर्जा लेके वो ऑपरेशन कर रहा है, तो वो तो गलत कंपनी है ना, वो बाद में जाके एनपीएस हो जाएगा उसका, बैंक से जो पैसा लिया है वो एनपीएस हो जाएगा उसका। बट आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम है उतना बेटर होगा ना, डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या, कितना हमारे पास अपना पैसा है और कितना हम कर्ज में लेके ऑपरेशन कर रहे हैं,
तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा कम ही होना चाहिए, अपना पैसा ज़्यादा होना चाहिए अपने कंपनी के लिए। तो कहने का मतलब क्या, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम होने का मतलब क्या है कि लो लिवरेज कंपनी है वो, बात समझे। हाईली लिवरेज कंपनी गलत होता है। हाईली लिवरेज कंपनी का मतलब क्या, अपना पैसा कम है, जो बैंक से ले रहे हैं वो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो उस कंपनी का हमेशा चांस रहता है कि डूबने का, एनपीएस होने का। अच्छा क्या बात है अभी कि इक्विटी ज़्यादा है और डेब्ट कम है। तो देखो, इक्विटी ज़्यादा हो डेब्ट कम हो तो उसको चुकाना बहुत आसान हो जाएगा। यदि मान लो कि हमारा साल में 1 करोड़ का टर्नओवर है और हम यदि 50 लाख भी लोन ले लेते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे सकते हैं। मगर मान लो कि हमारा 50 लाख का टर्नओवर है एक साल में और हम ले लिए लोन 1 करोड़ का, तो फिर कैसे मिसमैच हो जाएगा ना। तो अच्छी बात है कि इक्विटी रेशियो ज़्यादा बेटर है, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है, इक्विटी ज़्यादा है, समझे। और दूसरी बात यह कि डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी भी बढ़ा है, कंपनी का डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी भी बढ़ा। क्या डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी का मतलब है, कर्जा चुकाने का जो क्षमता है वो भी बढ़ा है। तो फटाफट दे देगा पैसा, बैंक के पास पहुंच जाएगा, बैंक फिर दूसरा एक्टिविटी करेगी, बैंक फिर दूसरे को लोन देगी। तो देख रहे उन्हें कितना बेस्ट स्थिति में है हम लोग, कि इधर बैंक के पास भी बहुत पैसा है, कैपिटल एडिक्वेसी दुरुस्त है, और इधर कंपनी भी सही है, यानी कि कंपनी भी तुम्हारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है उसका, और डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी उसका भी स्ट्रांग है। कितना बढ़िया सनेक्सेस बन जाएगा दोनों के बीच में। अब मान लो कि इकोनॉमी में बूम आए, इकोनॉमी में मान लो कि कंजम्पशन के लिए डिमांड आए, तो कंजम्पशन के लिए डिमांड आएगा तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए आपको बैंक से पैसा लेना होगा, बैंक से पैसा लोगे तो सामान बनाओगे, फिर सामान उतारोगे तो इकोनॉमी ऐसे बूम करते चला जाएगा आपका, बात समझे। एनपीएस का प्रॉब्लम नहीं होगा और ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगा, तो वही लिखा गया है। तो एक्सपर्ट कहते हैं स्टूडेंट कि ये एक अच्छा सिग्नल है कि कोई भी कंजम्पशन डिमांड होगा तो अच्छे से ना जो भी डिमांड है वो अच्छे से फुलफिल हो सकता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्शन कब होगा, जब कंपनी पैसा लेगा यहाँ बैंक से और बैंक के पास पैसा देने के लिए है, और प्लस कंपनी भी इस स्थिति में कि कंपनी भी पैसा लौटा सकती है, बात समझ में आ गया ना तुम लोग को। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा ग्रीन सिग्नल है, बहुत ही अच्छा सिग्नल है। पास्ट में क्या था, पास्ट में बहुत दिक्कत था, दोनों का ही ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम था, जिसके वजह से तुम्हारा इकोनॉमी उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा था। और अब आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इस तरह का जो साइन है ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज, इसके वजह से हमारा इकोनॉमी और बेटर होते चला जाएगा। होप्सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब यहाँ देखो, चलो एक तरफ तो चलो ठीक है, एनपीएस का प्रॉब्लम नहीं है, है ना, नेट मार्जिन ये ठीक है, बैंक का भी सही है, इधर भी तुम्हारा सर्विसिंग डेब्ट कैपेसिटी सही है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी कम हुआ है, तो दोनों ही बहुत अच्छा है। अभी भी तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम, एग्जांपल समझो, शेयर ऑफ द अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स, जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स है जिसके ऊपर बैंक ज़्यादा ही पैसा लेती है, इंटरेस्ट लेती है, जैसे देखो पर्सनल लोन है ना, पर्सनल लोन हो गया है ना, तो अब देखो ये बढ़ गया है, पहले 22% से लेकर 25% बढ़ा है, तो बढ़ा है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें कोलेटरल नहीं दिया जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, रिटेल लोन कैटेगरी में इवन पूरा देखोगे तो एनपीएस कम है, बट स्पेशल मेंशन अकाउंट तो बहुत ज़्यादा है, स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब एसडीओ 0 एसडीओ 1 बहुत ज़्यादा है, भले ही आपको एनपीएस 90 डेज वाला वो कम दिख रहा है, मतलब सिग्नल बहुत खतरनाक है, यानी कि एसडीओ 0 एसडीओ 1 एसडीओ 2 ये आपका बहुत ज़्यादा है, फिर तो हो सकता है उसको एसडीओ 3 बनने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 90 डेज बनने में कितना टाइम लगेगा, ये भी जानते हो ना। एसडीओ 0 एक तरफ से सिग्नल है एनपीएस होने का, तो सिग्नल तो दिखा रहा है कि हो सकता है भविष्य में बहुत बड़ा एनपीएस हो सकता है, वही चीज़ बताया गया है। इनफैक्ट तुम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखो, लगभग 6% जो लोन है तुम्हारा वो बैड हो गया, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और देखो, कोविड के टाइम में बच्चे लोग एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आया था, ये क्या है, एमएसएमई जो इस स्थिति में नहीं है, पैसा देने की स्थिति में नहीं है, उसको 20% सपोर्ट दिया जा रहा था, 20%, ये कोविड के टाइम में लाया गया, यानी कि मान लो कि एक एमएसएमई का मान लो कि 100 करोड़ का एनपीएस हो गया, यहाँ पे समझो अच्छे से 100 करोड़ का एनपीएस हो गया, तो 20% सरकार हेल्प कर रही है कि 20% आप लौटा दो। मैं क्या हुआ, एमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का 1/6 अकाउंट तुम्हारा एनपीएस हो गया, तो इतना सरकार सपोर्ट की कोविड के टाइम में, मैं 1/6 तो सरकार का जो पेमेंट है वो क्या हो गया, एनपीएस हो गया। एमएसएमई इस स्थिति में नहीं है कि वो पैसा लौटा सके, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, जेम्स ज्वेलरी कंस्ट्रक्शन फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल, ये जितने भी सेक्टर है
यहाँ पे बैड लोन्स हो गया है, एनपीएस हो गया है ना। और इसमें भी देख लो तुम लोग, अब जिस हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक ठीक से मेटलाइज नहीं हो पा रहा, देखते हो नॉन कोऑपरेटिव बैंक जो है तुम्हारा, याद करो कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन का है, प्रॉब्लम है कि नहीं है? रूलर तक ठीक है, रूलर तो स्टेट करती है, अर्बन को डायरेक्ट कंट्रोल की ना। और उसके बाद बार बार इसका एसेट रिव्यू करवाया जाता है, एसेट टेस्ट याद है होगा तुम लोग को। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारा जगह प्रॉब्लम है, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक सब में प्रॉब्लम है। और यदि प्रॉब्लम है तो आरबीआई डायरेक्ट मैनेजमेंट में कंट्रोल करेगी, और जब मैनेजमेंट में कंट्रोल करेगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इसका गवर्नेंस पैटर्न खराब हो जाएगा, इसका जो बिजनेस ऑपरेशन होगा वो खराब हो जाएगा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट, समझे? मैं हो सकता है गवर्नमेंट इंटरवीन करे उसके बिजनेस डिसीजन में, बिजनेस ऑपरेशंस में, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। चलो एक तरफ पॉजिटिव है, मगर एक कुछ कुछ चीज़ फंडामेंटल्स और गड़बड़ी भी है, गलत भी है। होप सो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो 243 जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। समझ गए? तो यहाँ पे देखो 6 जुलाई को आया था स्टूडेंट इंडियन एक्सप्रेस में। अब यहाँ पे देखना होगा तुम्हें, मैंने पहले ही कहा ना कि वेस्टर्न कंट्री में देखो रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, हाँ रिलीजन के नाम पे भी बहुत कुछ होता है वहाँ पे भी, भले ये फालतू का ह्यूमन राइट्स का बात करे। और केवल ये फ्रांस का ही बात नहीं है स्टूडेंट, ये वेस्टर्न कंट्रीज का मेंटेलिटी का बात है, समझे ना? बाकी कंट्री में भी होता है, कनाडा में भी होता है, यूएस में तो खूब ज़्यादा होता है ये सब चीज़। एक एग्जांपल देखो, नहेल मोहम्मद, ठीक है, अल्जीरिया का था ये आदमी, ठीक है। अब तुम लोग इधर देखो, फ्रांस का भी तो बहुत कॉलोनी रहा है, अफ्रीकन कंटिनेंट में बहुत सारा कंट्री फ्रांस का कॉलोनी रहा है, हम जानते हैं इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म जो पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। चॉपिंग ऑफ अफ्रीका हुआ कि नहीं हुआ? अफ्रीका का भी एक अलग हिस्ट्री लेके आएंगे तो बताएंगे कितना चॉपिंग हुआ है उसका। अब यहाँ पे समझो तुम लोग, अल्जीरिया क्या है, पहले तुम्हारा फ्रांस का कॉलोनी रहा है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे सेटल है फ्रांस में। मैं ये लोग बाहर के लोग जितने भी कॉलोनीज वाले लोग जो सेटल है देखना नहीं चाहता उसको, मैं अभी आगरा के साथ तुमको बता दूंगा, जितना भी इंसिडेंट हुआ है सब बाहर के लोग के साथ ही इंसिडेंट हुआ, और स्पेशली कॉलोनी वाला जो एक समय कॉलोनी रहा है। और ऐसे लोग यदि फ्रांस में रह रहे हैं, यानी कि फ्रांस का जो कॉलोनी रहा है ऐसे लोग यदि वहाँ पे सेटल्ड है, तो उसी के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। देखो ये जो नहेल मोहम्मद जो 17 साल का लड़का था, ठीक है, ये तुम्हारा वही अल्जीरिया से आया हुआ था, अल्जीरिया का डिसेंट है वो, ठीक है, वो मारा गया तुम्हारा। अब देखो वहाँ पे क्या है कि अब जो टैक्सी जो होता है ना, जैसे यहाँ पे भी तो रहते हैं बीच में वो चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस रहते हैं ना, अब ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रुका, गोली मार दिया। ये तो नहीं होना चाहिए ऐसा, यदि नहीं रुका तो गोली कैसे मार दोगे तुम? दूसरा तरीका होना चाहिए था, ऐसा इंडिया में हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा ना, बहुत बड़ा बात हो जाएगा। देखो यही हुआ है ना कि वहाँ का जो पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसने गोली मार दिया, तो बहुत बड़ा राइट्स हो गया फ्रांस में, और इनफैक्ट फ्रांस ही नहीं और भी बहुत सारे एरिया में हुआ है। और वही लिखा गया कि नायल देखो उसको शॉर्ट किया गया पुलिस ऑफिसर, वो भी ट्रैफिक स्टॉप के दरमियान, और सब इंसिडेंट तुम्हारा कैमरा में रिकॉर्डेड हो गया ये सभी चीज़, तो बहुत बड़ा बात है। फिर उसको ढूंढा गया, जब पाया गया कि भाई देखो बिना कोई वार्निंग का मार दिया इसको, गलत बात है कि नहीं है? और ये देखो कोई नया इंसिडेंट नहीं है स्टूडेंट, 2020 से लेकर अभी तक ऐसा 21st हो चुका है मर्डर, कहूँगा मैं इसको 21 बार हो चुका है इस तरह का मर्डर। तो फ्रांस के ऊपर तो फ्रांस का प्रेस्टीज पे तो लगेगा ना, हाँ ट्रैफिक से रिलेटेड। और देखो ना गजब बात है कि ये सब जो लोग हैं, समझे, ये सब लोग हैं बाहर के ही हैं स्टूडेंट, ये इमिग्रेंट्स है या फिर तुम्हारा सिटीजन फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी, जैसे अल्जीरिया हो गया और भी बहुत सारा कॉलोनी जो वहाँ पे सेटल्ड है, ऐसे लोग के साथ हो रहा है, फ्रेंच पीपल के साथ नहीं हो रहा है, वहाँ का जो इंडिजिनियस पीपल है उसके साथ नहीं हो रहा है, ये बाहर के लोग के साथ हो रहा है। वहाँ देखो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। अब देखो उसमें तुम्हारा जो आगे इस बात को और पहुँचाएगा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जानते हो राइट्स को और बढ़ा देता है। अब इंडिया में क्या है, मणिपुर दंगा हुआ तो हम इंटरनेट को बंद कर देते हैं, कश्मीर में कुछ इशू हुआ तो इंटरनेट को बंद कर देते हैं, फ्रांस में तो बंद नहीं करता है इंटरनेट। अब इंटरनेट बंद नहीं करोगे तो अफवाह का दौर है, राइट्स और भड़क जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। फॉरेन कंट्री में इंटरनेट बंद नहीं होता है, समझे, इसलिए बंद नहीं होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, समझे। और देखो हमारा कश्मीर में क्या स्थिति हुआ, लंबा समय तक इंटरनेट बंद रह गया, और मणिपुर में भी वही स्थिति है। देखो वो जो लड़की का कितना बाद में वीडियो आया, जबकि इनिशियल स्टेज में हुआ था मणिपुर में वो केसेस,
हाँ, वो बहुत पहले हुआ था। यदि मान लो कि इंटरनेट ऑन रहता है तो कब सर्कुलेट हो जाता और कब और बड़ा दंगा हो जाता, और अभी भी कम नहीं है। हुआ कब? अभी पता चला, फिर दंगा शुरू हो गया वहाँ पे। तो इंटरनेट तो बहुत डेंजर चीज़ है, सोशल मीडिया सब। देखो यहाँ पे सोशल मीडिया भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है ये प्रोटेस्ट पूरा फ्रांस में फैलाने के लिए, समझे? और जिस हिसाब से ऑल ये लोग बताओ हैशटैग वगैरह किया, हैशटैग बताओ, हैशटैग जो किया वो हैशटैग और बढ़ते चला गया, लोगों को मैसेज पहुंचते चला गया तुम्हारा। उसके बाद जो प्रेसिडेंट मैक्रोन आए वो बोले कि नो, टेक कंपनी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। मतलब सबसे बड़ी बात है, टेक कंपनी लेता कब है? फेसबुक को कोई मतलब ही नहीं है ना? ट्विटर, ट्विटर चलो थोड़ा सा अभी तो ये आ गया इसलिए खराब हो गया, इससे पहले ट्विटर कितना सही था। और फेसबुक का तो अभी भी स्थिति खराब है। फेसबुक में तो इतना हेट स्पीच रहता है बच्चे लोग, तो फिर कैसे तुम टेक कंपनी से तुम एक्सपेक्ट करेगा कि ये लोग अच्छा काम करेगा? ठीक है, तो आगे देखो, दे आर वर्सनिंग सोशल। अब देखो ये लोग क्या कर रहा है, सब कंट्री में देखोगे तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं गलत ही काम कर रहा है। जैसे फ्रांस, केवल फ्रांस नहीं है, दूसरे कंट्री में भी तुमको देखने को मिल सकता है। जैसे देखो म्यांमार में देखो सोशल मीडिया का वजह से रोहिंग्यास को सिंगल टारगेट किया गया, उसको मार के फेंका गया वहाँ से। सिमिलरली देखो श्रीलंका में भी जो ये बुद्धिस्ट के साथ जो हुआ था, बुद्धिस्ट के साथ जो हुआ था ना, बुद्धिस्ट के साथ टामिल सॉरी टामिल्स के साथ जो हुआ था, हाँ बिल्कुल टामिल्स के साथ जो हुआ था, उसमें भी सोशल मीडिया का रोल्स है। ठीक है, और इंडिया में भी देखो हर समय तुमको हेड स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हारे स्पेशलिस्ट ये फेसबुक से इंडिया में बहुत सर्कुलेट होता है। तो ये केवल खाली फ्रांस तक ही बात नहीं रहेगा, सोशल मीडिया का जो नेगेटिव साइड है वो हर कंट्री में ही प्रभावित कर रहा है, समझे? आगे देखो, अब थोड़ा फ्रांस का थोड़ा सा देखते हैं कि 2000 जब से मैक्रोन आया है तब से कुछ ना कुछ तो हुआ है, वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है ना? तो वही बोला कि जब से मैक्रोन होश संभाला है या ऑफिस संभाला है तब से कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हुआ है, चाहे वो येलो मूवमेंट के फॉर्म में हो, जिसको फ्रेंच वर्ड में हम जिलेट गाउन कहते हैं, गिलेट जाउन कहते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा मूवमेंट हुआ था जो प्राइस बढ़ रहा था वहाँ पे, इन्फ्लेशन बढ़ गया था उस चीज़ को लेके हो रहा था, है ना? वो तेल का क्राइसिस आया था ना, तो उस चीज़ को लेके भी हो रहा था। और तुम्हारा, और ये माना जा रहा था ये टैक्स ब्रेक है रिच के लिए, यानी कि सरकार रिच के लिए फेवर कर रही है और जो कॉमन आदमी है उसके लिए फेवर नहीं कर रही थी, इसलिए येलो मूवमेंट हुआ। उसके बाद एक पेंशन से रिलेटेड मूवमेंट हुआ जिसमें जानते हो वर्किंग एज बढ़ा दिया गया 62 to 64, इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है, समझ गए ना? तो देखो इस तरह का चीज़ तुमको देखने को मिलेगा। तो 20th सेंचुरी में देखो बहुत सारे वेस्ट कंट्री में कुछ ना कुछ तो हुआ है, पुलिस ब्रुटैलिटी है ना, पुलिस के द्वारा। अब देखो ना, ब्लैक लाइफ मैटर्स यूनाइटेड स्टेट्स में नारा उठा था ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव निगलेक्ट, पुलिस ब्रुटैलिटी है ना, सेक्टोरियन इम्बैलेंस है ना, गोरा काला में ये तुम्हारा डिफरेंसेस, रिलीजन को लेके, तो ये सब चीज़ तुमको दिखेगा। और यदि ये सब चीज़ रहेगा तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो कहता है ये तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा इन लोग का, समझ गए ना? तो वही चीज़ लिखा गया, चाहे वो रेसिस का बात हो, रिलीजियस बात हो, कास्टिस्ट हो, क्लासिस्ट हो, ये किसी न किसी तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएगा और कहीं ना कहीं आपका डेमोक्रेटिक वाला जो छवि है वो ख़त्म हो जाएगा, समझे स्टूडेंट? तो इसलिए इस पे बिल्कुल काम होना चाहिए, इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म भी करना चाहिए वहाँ पे, और साथ में जो बाहर से लोग आए हैं ना उसको भी ठीक से देखना चाहिए, उसी लेवल पे देखना चाहिए, एट पार विद द सिटीजन देखना चाहिए। यहाँ पे देखो, वर्सन ऑफ क्राइसिस ऑफ फेथ एंड गवर्नेंस कैन बी फाउंड इन, देखो ये तुमको गवर्नेंस और गवर्नेंस पैटर्न पे दिखेगा कमी, और फेथ पे दिखेगा। आखिर एक फ्रेंच पीपल मरता तो बहुत बड़ा बात हो जाता, मगर अल्जीरिया का आदमी मरा तो कोई बड़ा बात नहीं है। ये अलग बात है कि लोग सड़क पे उतर गए उसके प्रोटेस्ट के लिए, तो लोग महान हैं वहाँ के, मगर जो शासन है, जो गवर्नेंस है, वो तो पूरी तरीके से बाबू गलती है। US में भी तो यही तो हुआ था, US में भी वही हुआ था, ब्लैक मरा तो ब्लैक के हक में गोरे भी आए प्रोटेस्ट करने के लिए, मगर जो प्रशासन है, प्रशासन ने तो हर समय ब्लैक को मारा ही है वहाँ पे। पुलिस सब तो मार देता है, ऐसे पैर पकड़ के नीचे ऐसे मार देगा उसको, ऐसे पकड़ के नीचे करके ना, तो गलत बात है ना। और ऐसा इंसिडेंट बहुत हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स में भी, देखो वही बताया गया यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, तो जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उसके साथ, अच्छा देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि लो इनकम हाउसिंग स्टेट्स फ्रांस में, वही स्लम टाइप का, ठीक है, स्लम, और वो मेन सिटी में नहीं है, वो पेरिफेरल है, आउटस्कर्ट्स में है। जैसे मेन सिटी है ना, उसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री में तुम्हारा इस तरह का जगह है रहने के लिए,
और वहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, स्पेशली जो कॉलोनी से आए हुए हैं अल्जीरिया से, अलग अलग जगह से, जो मज़दूर क्लास है उसके लिए रहने का व्यवस्था है। वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, वो पूरा स्लम वाला एरिया है वो। तो अब मैक्रन ने आके बोला है कि ठीक है, विल टेक केयर। तो अब तुम बोल रहे हो इतना दिन से हो रहा है, उस पर तुमको ध्यान नहीं था, तुम डेवलप कंट्री हो, थोड़ा ध्यान तो सिंपथी होना चाहिए। वो चूंकि आपका सिटीजन नहीं था इसलिए आप उसको ध्यान नहीं दिए, वो बाहर का आदमी था इसलिए आप उसको बाहर का ही ट्रीट कर रहे हो, जबकि वो भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका इकोनॉमी के लिए। बात समझे, वही बात है। उसी को बोलते हैं बेनेल्यूस कहते हैं, यानी कि लो इनकम हाउसिंग स्टेट्स, ठीक है, जो फ्रांस के टाउन्स और सिटी से थोड़ा दूर है, पेरिफेरल एरिया में, जहाँ पे इमिग्रेंट पॉपुलेशन आके सेटल्ड हुए हैं, जैसे जस्ट लाइक योर अल्जीरिया एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे देखो क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ फेथ है, गवर्नेंस है, ये तुमको मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रांस का गवर्नमेंट या यूएस का गवर्नमेंट अपने सिटीजन के लिए काम करती है, दूसरे जगह का काम नहीं कर रही है। तो इस तरह का छवि रहेगा तो स्टूडेंट वेरी वेरी बैड, तो इसलिए ठीक करना होगा, समझे ना, और रिलेशन अच्छा करना होगा, और सबको एट पार देखना होगा। कोई फ्रेंच कॉलोनी से भी आके सेटल हुआ है तो उसको भी बराबर हक देना होगा, ताकि जो फेथ लूज हो गया उस फीस को उसको फिर से रिकवर किया जाए। समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट, लास्ट वन, 244 GS पेपर 3, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 4 जुलाई। तो देखते हैं क्या मैटर। देखो, ड्राफ्ट ग्रीन का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अनवील्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। देखो, ये उस दिन भी बताए थे ना तुम लोग को कि अभी पब्लिक डोमेन में डाला गया है, पब्लिक से ओपिनियन लिया जा रहा है, मगर अभी तय नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यस, मैंने कवर किया है, जैसे ही मिनिस्ट्री के द्वारा आया था तो मैंने हल्का कवर किया था, याद है तुम लोग को? तो देखो, इसका समझ लो, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रूल्स वो 2023 का अनवील किया कि देखो हम ऐसा सोच रहे हैं। अब ये कोशिश यही रहेगा कि मार्केट बेस्ड अप्रोच हो, यानी कि मार्केट में बीके कंपटीशन हो इसके लिए स्टूडेंट, और अच्छा कंपटीशन हो। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल, बढ़िया समझना, इंडिविजुअल को भी टारगेट किया जा रहा है। सुनो अच्छे से, इंडिविजुअल, कंपनी और म्यूनिसिपलिटी लोकल बॉडी, ये तीनों को टारगेट किया जाए। क्या चीज़ के लिए टारगेट किया जाएगा? ताकि ये लोग ग्रीन प्रैक्टिस करें। जैसे हम इंडिविजुअल है ना, तो हम फॉरेस्ट लगाएं, हम प्लांटेशन पे काम करें। यदि हम प्लांटेशन में काम करेंगे, जैसे मान लो कि एक फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, या फिर हम बहुत सारा पेड़ ऐसा कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं पेड़ से, बहुत सारा ट्रीज से, तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई कंपनी आके खरीद सकता है, वो बोलेगा कि चलो ये है, इतना क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, और वो हमको पैसा देगा और क्रेडिट हमसे ले लेगा। पहले तो क्रेडिट हमको बनवाना पड़ेगा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, उसका जो भी एफिलेटेड डिपार्टमेंट होगा उससे बनाना पड़ेगा, और कंपनी आके खरीदेगा हमसे। और कंपनी आके खरीद के कंपनी अपना इमिट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जब कंपनी में इंस्पेक्ट होगा, इधर समझो अच्छे से, जब कंपनी में इंस्पेक्ट होगा तो कंपनी बोलेगा कि हमारे पास इतना क्रेडिट है, हम इतना खरीदे, हम इतना फला फला को दिए पैसा, इतना हम इमिट कर सकते हैं, तो इससे हमको भी फ़ायदा होगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा, समझे ना, और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बेटर होगा। तो केवल बच्चे लोग ये बोलना कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड तक ही लिमिट है, तो ऐसा नहीं है, इसका फ़ायदा आपको पूरा इन्वायरमेंट में पड़ सकता है, यदि ट्रू सेंस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो। मगर एट द सेम टाइम ग्रीन वॉशिंग वाला जो चीज़ है उससे बचना चाहिए, क्योंकि हम झुटमुट का कुछ भी क्लेम कर सकते हैं फिर, और झुटमुट का क्लेम करेंगे तो समझ रहे हो ना, जो हमारा एक जो कार्बन मार्केट जो कल्पना कर रहे हैं कि कार्बन मार्केट बेटर बनेगा, वही ग्रीन क्रेडिट फैसिलिटी या फिर ग्रीन क्रेडिट जो भी है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे, बोलेंगे कि ये ग्रीन है, और सच में ग्रीन ना हो, तो एक तो कंट्री डोमेस्टिक में ही बुरा हाल हो जाएगा, और साथ में इंटरनेशनल में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो ना, जब पेरिस का जब सबमिट हो रहा था स्टूडेंट, क्योंकि ये कार्बन क्रेडिट नया चीज़ तो नहीं है, ये बहुत पहले क्यूटो सब में ही आ गया था, ये इसका हिस्ट्री देखोगे तो जानते हो कि क्यूटो सब में ही आ गया था, पर्टिकुलर देखना कोई सबमिट होगा, मैं पेरिस से पहले ही आया था, बात समझो। अब पेरिस एग्रीमेंट में भी ये बात कहा है कि ब्राज़ील जैसा कंट्री और इंडिया जैसा कंट्री, यहाँ पे डर है कि ये लोग ग्रीन क्रेडिट झूठमूठ का भी यूज़ कर सकता है, इसलिए प्रॉपर चेक होना चाहिए इस कंट्री में। तो डेवलप कंट्री ने कंसर्न दिखाया था, तो चलो हम अपने डोमेस्टिक लेवल पर ला रहे हैं, बट अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी देयर, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे, तो इस तरह का जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है, ये कोशिश करेंगे हम मार्केट बेस्ड अप्रोच रहे, कंपटीशन हो, बहुत सारे स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करें, ताकि इन्वायरमेंट के लिए बेटर हो सके, समझे ना, कार्बन मार्केट बेटर हो,
और कंपनी, इंडिविजुअल और लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपलिटी को एक रिवार्ड दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए, है ना, ताकि वो बेटर काम कर सके इन्वायरमेंट के लिए, है ना। और इसी इनिशिएटिव को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन क्रेडिट। होप सो समझ में आ गया होगा। और देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है स्टूडेंट, ये मत समझो कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को रिडक्शन करने का ये तरीका है। नो, इट इज़ अ मच बियॉन्ड दैट, समझे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़ेंगे। एग्जाम्पल देखो, डाइवर्स एरे ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स, कहाँ कहाँ ग्रीन क्रेडिट्स दिया जाएगा, देखो ध्यान से देखो वहाँ पे, प्लांटेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट। इसका मतलब क्या कि यदि हम वृक्ष लगाते हैं स्टूडेंट, चाहे हम इंडिविजुअल हो, चाहे हम कंपनी हो, चाहे हम लोकल बॉडीज हो, यदि हम प्लांटेशन बेस्ड प्लांटेशन पे काम करते हैं, एफोरेस्ट में काम करते हैं, तो हमको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। बहुत फ़ायदा, इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा, हमको भी फ़ायदा, इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे कंपनी लेवल पे हो, चाहे तुम्हारा म्यूनिसिपलिटी लेवल पे हो। नंबर वन, वाटर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट, यदि मान लो कि हम स्प्रिंकलर इरीगेशन यूज़ कर रहे हैं, हम ड्रिप इरीगेशन यूज़ कर रहे हैं, तो किसान को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब बताओ, किसान एडिशनल इनकम कमाएगा, बच्चे लोग फ़ायदा ही फ़ायदा, कितना फ़ायदा होगा, सोचने वाली बात है। इसलिए ये बात कहना कि कार्बन डाइऑक्साइड केवल रिड्यूस करने का बात नहीं है, इट इज़ अ मच बियॉन्ड दैट, इसलिए कहा गया वहाँ पे। तो अब देखो, वाटर बेस्ड ग्रीन, यानी कि आप ठीक से वाटर यूज़ करोगे, अच्छी बात है ना, वाटर फालतू का यूज़ करोगे, उसे चाहे स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, माइक्रो इरीगेशन जो होता है उसको यूज़ करो, इससे तुम्हारा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, फार्मर्स को एडिशनल पैसा मिलेगा। दूसरा बात देखो, फार्मर्स के लिए एक और है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का यूज़ करो, ग्रीन एग्रीकल्चर का यूज़ करो, उसके लिए भी अलग मिलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को वो भी तो ठीक कर रहा है। चौथा देखो, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, गार्बेज फेंका हुआ है तो अलग से करो, सेग्रीगेशन करो, उसके लिए भी म्यूनिसिपलिटी को बहुत फायदा मिलेगा। वेस्ट मैनेजमेंट कौन करता है, म्यूनिसिपलिटी करता है ना, तो बिल्कुल देखो म्यूनिसिपलिटी को फायदा। एयर पॉल्यूशन देखो, अभी देख रहे हो ना, एयर पॉल्यूशन कितना बड़ा एक समस्या है, उस पर यदि कोई काम करता है, म्यूनिसिपलिटी काम करता है, तो उसको रिवार्ड किया जाए, ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा उसको, या कोई कंपनी काम करता है तो उसको ग्रीन दिया जाएगा। आदमी इंडिविजुअल तो मुश्किल ही है एयर पोल्यूशन पे काम करना, या कोई एंटरप्रेन्योर आप काम करता है तो हो सकता है ये चीज़। अब वहाँ मैंग्रोव कंजर्वेशन देखो, इसी चीज़ से वो भी जुड़ा हुआ है, अपना प्रिंस भी जुड़ा हुआ है, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट। मैंग्रोव देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव पाया जाता है ना, अब मैंग्रोव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिड्यूस करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए भी, है ना, स्ट्रांग होल्ड रहता है उसका, ये फ्लड आने नहीं देगा। तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव प्लांटेशन, कोई कर रहा है। आ देखो, हाँ, मुझे प्रिंस ने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया था कि सर हमारा काम क्या है। तो प्रिंस का जो काम है वो मैंग्रोव प्लांटेशन पे ही काम है, कि मैंग्रोव प्लांटेशन को ना और बढ़ा देना, जैसे बंगाल में देखो, बंगाल में है ना इस तरफ, पूरी तरीके से जितना बढ़ेगा उतना ही ग्रीन क्रेडिट मिलेगा उसको, इसलिए बाहर जाके वो डेवलप कंट्री में जाके ना उसको एक्सचेंज कर लेगा, एंड ही गॉट लॉट ऑफ मनी। इसलिए उसका जो जो टॉप लेवल का लीडर्स है वो सब ब्राज़ील जाता है समिट के लिए, यही रीज़न है, बात समझे। उसका देखो, इको मार्क बेस, यानी कि अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाला जो काम कर रहे हो, है ना, प्रोडक्ट है तो उस पर भी मिलेगा आपको। बहुत सारा देखो, बहुत सारा प्रोडक्ट होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो इको मार्क है उसमें मिल जाएगा आपको। एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, जहाँ पे बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब हो। कम लाइट एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा बहुत कम होगा और ट्रैवलिंग कम होगा। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का बिल्डिंग में भी आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। तो बात समझ में आ गया ना, कि इन्वायरमेंट का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये ग्रीन क्रेडिट। तो केवल ये बोलना कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करें तो गलत बात होगा, तो ये बहुत बड़ा मार्केट होगा, इसमें बहुत फैसिलिटीज़ होंगे, और इसमें इंडिविजुअल्स को, कंपनीज़ को, है ना, और म्यूनिसिपलिटी, तीनों को ही उतना ही अधिकार है आगे बढ़ने का। बस कंपटीशन अच्छे से हो, अकाउंटेबिलिटी हो, चेक एंड बैलेंस हो, तो बेटर होगा ये। आगे देखो, इस प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, देखने वाला कौन रहेगा, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE, ये एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, ठीक है। इसी संस्था का काम है गाइडलाइंस तैयार करना, प्रोसेस करना और प्रोसीजर तैयार करना, कि कैसे तुम्हारा ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटी का क्या बेंचमार्क होना चाहिए, उसका क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए, उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए, सभी डिसाइड करने वाले यही होंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। और देखो, ये इनकरेज करेगा, ICFRE इनकरेज करेगा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को और बाकी लोग को भी, ताकि सब लोग अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मार्केट में कंपटीशन आए, समझे, और लोग बढ़ चढ़ के ग्रीन क्रेडिट को खरीदें। जैसे कंपनी खरीद रहा है इंडिविजुअल से, कंपनी खरीद रहा है तुम्हारा म्यूनिसिपलिटी से, और म्यूनिसिपलिटी को भी बेनिफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो और शहर के लिए काम हो रहा है
ऐसे भी देखो ना, हमारा म्यूनिसिपलिटी कितना वीक है, एक दो म्यूनिसिपलिटी छोड़ दोगे तो बहुत बुरा स्थिति है कि नहीं बताओ? तो सब जितने म्यूनिसिपलिटी है सब बुरा स्थिति में ही है। इंदौर, इंदौर सब कुछ छोड़ दो, इंदौर कितना बेस्ट है। आगे देखो, तो ये अपने आप में एक नया शुरुआत है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया के लिए नया चीज़ है, बट उसको ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट करना होगा हमें। देखो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अपने आप में नया चीज़ है। हाँ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। अभी बताया ना, एग्रीकल्चर के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, दुनिया भर के चीज़ के लिए दे रहे हैं। तो एक अच्छा पहल है स्टूडेंट। और देखो, फार्मर्स के लिए देखो FPO से जोड़ दो, है ना, अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जोड़ दोगे तो एक तो पावर फार्मर्स का बढ़ जाएगा, और फार्मर्स को क्या होगा स्टूडेंट, एडिशनल इनकम भी मिलेगा उसको, बेनिफिट ही बेनिफिट है फार्मर्स के लिए, उससे बेस्ट क्या हो सकता है, है ना। तो इंडिविजुअल्स, कंपनी, लोकल बॉडी सब चाहेंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते हैं सभी। आगे देखो, मगर हाँ, हमें ध्यान रहना चाहिए, ग्रीन वॉशिंग से बचना चाहिए। ग्रीन वॉशिंग मतलब क्या होता है जानते हो ना तुम लोग? एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अब देखो ये मार्केट जब चलने लगेगा, ये बहुत चलने लगेगा, तो इंडिया जानते हो, इंडिया फिर कोई भी कंट्री में धांधलीबाजी तो बहुत होता है। कोई भी आएगा बोलेगा, दूसरा दिखा देगा बोलेगा देखो हमने किया है काम, कोई भी इको मार्क दे देगा बोलेगा देखो हमारा प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, ग्रीन है। तो ये चीज़ से बचना होगा, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग देखो कितना बढ़िया डेफिनेशन दिया गया है। ग्रीन वॉशिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैगरेटेड क्लेम्स अबाउट द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी टू क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज विदाउट डिलीवरिंग सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट। बिना आप बेनिफिट पहुँचाए हुए फिर भी आप क्लेम कर रहे हो कि आपने जो काम किया बहुत बेहतर काम किया और आपका प्रोडक्ट क्या है, सस्टेनेबल है, वेरी बैड, ठीक है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट, तो जो आप ग्रीन क्रेडिट का बात कर रहे हो तो आपको ये भी काम करना होगा कि आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हो, ऐसे नहीं कि ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो, बात समझे। उसके लिए सरकार को, है ना, या सरकार के संस्था को इस तरह का फ्रॉड जो है उसको ठीक से मॉनिटर करना होगा, ठीक से उसको देखना होगा। अदरवाइज एक तो ऐसे ही पेरिस एग्रीमेंट में एक बार वार्निंग मिल चुका है ब्राज़ील और इंडिया, क्योंकि देखो अब ये डेवलपिंग कंट्री है, कुछ भी बता देगा ये जाके, तो एक बार मार्केट ख़राब हो गया तो फिर दिक्कत हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे देखो, इसलिए लिखा गया स्टूडेंट, रोबस्ट चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। एक तो तरीका, रोबस्ट मेथोलॉजी होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए ग्रीन क्रेडिट सिस्टम का, समझे, ताकि अच्छे से मार्केट इसका बन सके, वायबिलिटी और स्टेबिलिटी आ सके मार्केट में। अब मान लो कि धांधलीबाजी करता है तो मार्केट में एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा इसका, ठीक है। प्लांटेशन एंड अफॉरेस्टेशन के लिए करना बहुत ज़रूरी है, बट सही तरीके से होना चाहिए स्टूडेंट, सही तरीके से होना चाहिए, समझ गए ना। जैसे देखो यहाँ पे, हाँ वही बताया, इंटरनल डिस्कशन होना चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, तब जाके जो भी स्टैंडर्ड है वो सब पे हम लोग, है ना, वो सबको ठीक से हम लोग बना पाएंगे। अदरवाइज कुछ भी अकाउंटेबिलिटी मिसिंग हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो फाइनल वर्ड क्या है? फाइनल वर्ड यही है, इंडिविजुअल, कंपनी और लोकल बॉडीज, है ना, काम करें इसके ऊपर अच्छे से, ग्रीन क्रेडिट आगे बढ़े, ग्रीन वॉशिंग वाला चीज़ को हटाया जाए, वो जो रिस्क है उसको ख़त्म किया जाए, है ना, मेथोलॉजी और स्टैंडर्ड तय हो कि क्या होना चाहिए, तब जाके हम बेस्ट इन्वायरमेंट दे सकते हैं, इन्वायरमेंट कॉन्शियस स्टेप्स ले सकते हैं, एंड सो ऑन, दैट्स इट। देखो स्टूडेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करोगे? फर्स्ट में तो मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लायक है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल एक एडिटोरियल्स है, उसमें सब बता दिया गया है, तो इसमें नहीं है। देखो सेकंड में ट्विन बैलेंस शीट का जो है, इसमें तुम लोग अभी क्या देख लो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, जो इकोनॉमिक सर्वे बताए थे ना तुम लोग को, जो लेटेस्ट वाला, वहाँ से जाके बहुत सारा आंकड़ा निकाल लोगे, प्लस देखोगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए क्या क्या पहल हुआ है उसको ठीक करने के लिए, बात समझे। प्राइवेट सेक्टर के लिए लाया गया ना, हम जो 72 मॉडल्स कवर किए थे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में, उसमें बताए थे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कैसे ठीक किया गया, उसके लिए क्या सिस्टम आया है, हाँ याद है ना तुम लोग को, एसेट चेक करने का जो तरीका था, हाँ स्ट्रेस चेक, उसको जाके पढ़ लेना, उसको अच्छे से जाके एक दो मॉडल पढ़ लेना वहाँ पे जाके, ठीक है। उसके बाद देखो ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, तो इसमें कोई नहीं है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का हल्का काम आएगा तुमको मेन सब में। एंड लास्ट में देखो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो ग्रीन ये जो कार्बन जो मार्केट है, आखिर कौन सा सबमिट में ये हुआ था, इन्वायरमेंट का कौन सा सबमिट में स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ क्यूटो में ही होगा, एक बार चेक कर लेना जाके तुम लोग, ठीक है, हुआ था। और पेरिस में इसको लेके क्या था, उसमें प्रोविजन क्या था पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेना, सबमिट वगैरह सब, बस इतना काफ़ी है, दैट्स इट।